तो स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कैसे यूरोप में आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आखिर तक देख लीजिए। हाय, आई एम राजा फ्रॉम इंडिया एंड यू आर वॉचिंग एक्सप्लोर राजा एंड आई हैव ट्रेवल्ड टू 30 कंट्रीज इन लास्ट 1 ईयर। जॉइन माई जर्नी एज आई प्लान टू विजिट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी मैं जा रहा हूँ भाग के। As usual, आपका भाई लेट है। फिलहाल इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ रोटरडैम नेदरलैंड से एम्स्टरडैम नेदरलैंड, जो कि 1 घंटे की जर्नी। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूरोपियन सिटीज़ में ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट बुक कर सकते हैं सस्ते सस्ते में। तो मैं जैसे पहले पेरिस में आया था फ्लाइट लेके, फिर पेरिस से ब्रसल्स बस और रोटरडैम से एम्स्टरडैम बस में जा रहा हूँ। तो कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि बस, फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड राइड शेयर। बेस्ट वेबसाइट है रोम टूरियो, जो कि यूनिवर्सल वेबसाइट है हर कंट्री के लिए। जी हाँ, रोम टूरियो में आपको दिख जाएगा हर तरह के ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और सबका एवरेज प्राइस, फिर आप वेबसाइट में जाके बुक कर सकते हैं। अगर आप बताएं एक्सक्लूसिव फॉर यूरोप, तो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है अभी ओमनियो। ये आपको सिर्फ ट्रेन और बस के बेस्ट डील दिखाएंगे और आपको डायरेक्ट बुकिंग का ऑप्शन भी देंगे। मेन जो बस ऑपरेटर्स है यहाँ पे स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में, वो है फिक्स बस, फिर है यूरोलाइन और अभी नया है ब्लाबला बस। ब्लाबला का एक और ऑप्शन है जो आपको शायद पता होगा, इसमें जो मैंने यूज़ किया था 2-3 बार अपने ट्रिप के एंड में, जैसे कि ये स्पेन में। आज भी फिर से करो ब्लाबला, 22 यूरो में। नॉर्मल बस टिकट थी 29, पर ये 22 यूरो में कर रहा हूँ और जा रहा हूँ एक BMW में और ये इटली में। बात करते हैं ट्रेन की, तो ट्रेन आप मत ही लो, ट्रेन बहुत महंगे होते हैं। मैंने इस ट्रिप में सिर्फ 3 या 4 बार ट्रेन लिया है, पर वो भी ईस्टर्न यूरोप में जहाँ पे ट्रेन थोड़े सस्ते थे। और बाकी फ्लाइट, मैंने एक बार भी फ्लाइट नहीं लिया, पर हाँ फ्लाइट ले सकता था अगर थोड़े दूर दूर जाना हो, पर मैं जनरली नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंट्री जा रहा था तो फिर फ्लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ऐसे फ्लाइट्स 10-20 यूरो में मिल जाते हैं आराम से। यूरोप में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, इंटरसिटी ज़्यादातर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही होता है, तो मोस्टली रेट्स एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर कर दो, क्योंकि सिटी में घूमने के लिए कभी कभी 3-4-5 यूरो लग जाते हैं, तो कंपेयर करें तो 7 यूरो 100 किलोमीटर के लिए ठीक है कंसिडरिंग यूरो। इसका प्राइस बहुत डायनामिक होता है अपने, ऐसे अभी मैं आज का बुक किया उसके मुझे ज़्यादा पड़ा, अगर आप अगर मैं इसको 1-2 हफ्ता पहले बुक करता तो फिर 7 यूरो की जगह 5 यूरो भी मिल सकता था। तो समराइज करें तो आप रोम टू में जाकर अपने रजिस्ट्रेशन डाल के पता कर लीजिए कौन सा मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता है। ओमनियो वेबसाइट से आप बस या ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। हाँ, एक बार ब्लाबला कार्ड जरूर यूज़ करना, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये सस्ता भी होता है। अगर आपको दूर किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो रायनियर या फिर इजीजेट जैसे सस्ते फ्लाइट्स आपको आसानी से पहुंचा देगी 1000 से 1500 रुपये में। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और एम्स्टरडैम पहुँचते हैं। भागते भागते पहुँच ही गए बस स्टेशन तक अपनी बस। तो 1 घंटा 10 मिनट में पहुंच गए एम्स्टरडैम स्टेशन और अभी जाना है होस्ट के घर। तो आई होप आपको पता चल गया कि कैसे यूरोप में बस का टिकट बुक करते हैं या फिर ट्रेन का या फिर फ्लाइट का, तो आपको पता ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एम्स्टरडैम।